ये भाई बंदा है ठीक है, इसने पी है शराब। सर माफ कर दो प्लीज सर। सो दोस्तों कैसे हो आप लोग, एंड ये जो आपने कपल देखा ये घर से भागा हुआ है, ये कैसे मेरे को पता चला वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मैं कठुआ से जर्नी कर रहा था, पठानकोट और जलंधर के बीच में मिले। ये जो लड़की है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी एंड रो रही, असाई बोलती कि भैया मुझे एक फ़ोन करना है। मैंने बोला ठीक है कर लो फ़ोन, तो मैंने इसको फ़ोन दे दिया ठीक है। वहाँ पे और बहुत सारे पैसेंजर्स थे, मैंने इसको फ़ोन दिया नंबर डायल करके, एंड इसने किसी से बात करी बाइक के रिलेटेड, बाइक के रिलेटेड बात करी। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन वापस ले लिया बाइक, फिर उसके बाद हम इंजॉय करते करते चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह सुबह मेरे को पुलिस वालों के फ़ोन आना स्टार्ट हो गए, एंड मेरे को इनके घर वालों के फ़ोन आना स्टार्ट हो गए। इवन मतलब पता नहीं किस चीज़ के फ़ोन आना स्टार्ट हो गए। तो मतलब इसके घर वाले हैं जो वो रो रहे हैं, लड़की के घर वाले भी रो रहे हैं, लड़के के घर वाले भी रो रहे हैं, दोनों नाबालिग हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये दोनों कहीं भी मिलते हैं प्लीज़ सूचित करें, मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग, बढ़िया हो भाई की सारे के सारे। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं पूजा सुपरफास्ट स्पेशल में, जो कि जम्मू तवी से लेके अजमेर तक चलती है, और हम इसे यात्रा आज कवर करने वाले हैं दिल्ली तक, एंड हम इसको बोर्ड करने वाले हैं इसके पहले स्टॉप से जो है अपना कठुआ। यहाँ पे पड़ी है अभी बारिश, अभी लगी है फिलहाल बारिश, एंड व्यू देख सकते हो कितना ज़बरदस्त व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ पर बारिश लगी हुई है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी पूजा सुपरफास्ट स्पेशल का, जो कि यहाँ पे 7:15 पे आएगी, 6:15 पे वो जम्मू से निकलती है। यहाँ पे व्यू बारिश, मेरा पूरा बैग है जो वो गीला हो चुका है, यात्री देखो जा रहे हैं भाई बाहर भी भैया। ये देखो भाई यहाँ पे बारिश हुआ है। ये गई अपनी अर्चना, ये है भाई यहाँ की लोकल DMU। हाँ देखिए भाई टाइम देख सकते हो, 7:13 हो रहे हैं, और अपनी ट्रेन 024/22 पूजा सुपरफास्ट स्पेशल आ चुकी है कठुआ रेलवे स्टेशन पे, 2 मिनट बिफोर ही आई है भाई। देखिए लोकोमोटिव लगा इसके साथ गाजियाबाद सेट का Web 7, एंड बारिश देखिए भाई क्या बारिश हो रही है, लेकिन हमारी ट्रेन फिर भी बिना रुके भक्ती हुई। देखिए ट्रेन के बारे में आपको बाद में बताते हैं यार, समझा करो बाहर मतलब कैसे बताऊँ इतनी बारिश में। डिपार्चर दिखाते हैं कठुआ से, ऊपर से ट्रेन पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तेज ट्रंक पूरा गीला हो गया। देखिए फौजियों का बेचारों का ट्रंक था गीला हो गया सारा। देखिए भाई 7:18 हो रहे हैं, और अपनी ट्रेन निकल चुकी है कठुआ से। बाय बाय माय होम टाउन कठुआ। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है यार, S7 था मेरा डिब्बा, S7 था, और कहाँ घुस गए भाई पता ही नहीं चला है ना। चलिए भाई कॉल करो इसको, ये आ गया अपना D3 कोच। कर लेते हैं भाई सैनिटाइज, बाकी अभी बारिश बंद हो चुकी है, वहां देख सकते हो
बारिश बंद हो चुकी है और आज हम यात्रा करने वाले हैं D3 में। 8-9 घंटे की यात्रा थी तो मैंने सोचा D3 में ही कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है क्योंकि कठुआ से दिल्ली ज़्यादा दूर तो है नहीं। एंड ऊपर से ट्रेन देखो, पूरी की पूरी ट्रेन है वो खाली है, पूरा कोच है वो खाली है भाई, ये देखिए। क्या जबरदस्त व्यू है, इस ट्रेन के अगर हॉल्ट्स की बात करें तो 17 इसके हॉल्ट्स हैं जम्मू तवी से लेके अजमेर तक। और स्पीड की बात करें 43 किलोमीटर पर आर एवरेज स्पीड है एंड 130 मैक्सिमम, उससे ऊपर जा ही नहीं सकती। खाना चाय कितनी, एक दो, एक अच्छी है ना, बढ़िया है ना, एकदम लल्लन टॉप चाय तो। हाँ लल्लन टॉप चाय है ना, लल्लन टॉप चाय। एक्चुअली बारिश बहुत ही बाहर तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं, देखते हैं कितनी ज़्यादा लल्लन टॉप है ये। अच्छी बनाई है, कसम से अच्छी बनाई है बंदे ने, चाय बढ़िया बनाई है। फर्स्ट टाइम ट्रेन में चाय अच्छी लगी, वो भी बढ़िया वे चाय, बढ़िया चाय। अगली एक मिनट देना, एक मिनट रुक जाना। तो भाई देखो अंकल ने इशारा दिया एंड अभी हम 99 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने पहले स्टॉप पे, जो दूसरे स्टॉप पे जो अपना पठानकोट कैंट, और इसका स्टेशन कोड है PTKC। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है एंड इसने हमें यहाँ पे ऑन द टाइम पहुँचाया है। हेलो अंकली, थैंक यू अंकल ने मुझे इशारा दिया भाई बारिश में बोलने के लिए, थैंक यू। बड़ी पक्का गया कितने मात्रा में चढ़ चुके हैं, आ जाओ 5 मिनट का स्टॉप। हाँ जनरल डब्बा है, डर नहीं लगता, नहीं लगता। कहाँ तक जाना है आपने, अगले स्टैंड तक, लुधियाना। हाँ पकड़ना, ओ भाई अंदर रख दो इसको। टाइम देख सकते हो 8:04 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन निकल चुकी है पठानकोट कैंट से। Oh,
लिए क्या किया है। एंड भाई नीचे जो हो रहा है ना वो मत ही पूछो, बेशर्मी की हद ही यार लोगों ने पार कर दी है भाई। मतलब कुछ भी अभी निकाल लेते हैं भाई छतर। ये अपना जलंधर कैंट देखिए, अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने तीसरे स्टॉप पे जो अपना जलंधर कैंट और जिसका स्टेशन कोड है GRC। और भाई यहाँ पे हमारी ट्रेन ने हमें 20 मिनट बिफोर पहुँचा दी है। 9:50 पे टाइम था लेकिन 9:30 पे हमारी ट्रेन ने हमें, भाई जी क्या है ये, पूरी छोले भाई जी, पूरी छोले दे रहे हैं। 30 रुपए की है ना, 30 रुपए की होगी ये। पर यार मेरा मन तो था खाने का लेकिन मम्मा ने मेरी मम्मा ने खाना पैक कर दिया है तो अभी वही खाएंगे हम यहाँ से। भाई गावा का जूस जो कि पड़ा है 20 रुपीज। हेलो भाई जी, ये लिया उन्होंने जूस पीने भैया, जूस। और भाई जलंधर कैंट से जो जो अपनी लाइन से आती है, ये जंक्शन भी है, यहाँ से जो दो लाइन जाती है, एक जाती है अपनी होशियारपुर को ऊपर वाली साइड, एक जाती है अपनी नकोदर को जो कि ब्रांच लाइन है, और एक जाती है अपनी लोहिया खास जंक्शन को, वो भी ब्रांच लाइन है। मेन लाइन बस वही है जो कि अपनी पठानकोट से आ रही है और अपनी लुधियाना अम्बाला एंड दिल्ली होते हुए चले जाएगी हमारी ट्रेन। सो भाई बॉटल हमेशा डस्टबिन में ही फेंके, कुछ भी खाएं पिए। गोल्डन टेम्पल मेल, यार मैंने सोचा उस साइड आई एंड मैं उस साइड चला गया। लगे हो रहे हैं 10:15 और अभी हम कर रहे हैं डिनर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि घर से लाया था, क्या लाया वो मैं अभी दिखाऊंगा। लेते हैं अपने हैंड को सैनिटाइज। ये देखिए ये मम्मा ने बनाई थी सब्जी जो कि मैंने आधी खा ली है, एंड ये रोटी एंड ये कुछ मतलब मिठाई लाई है। तो यही है आज का अपना डिनर, बाकी जो घर का खाना होता है बाइक पे देखते हैं। भाई आ जा बैठ जा बैठ जा। हेलो कर लो हैंड, कर ले थोड़ा सा। ये लो खा लो, आधे 8 फुलके लाए थे, आधे दोपहर को मैंने खा लिए, थोड़ी सी बची है तो थोड़ी आप खा लो थोड़ी मैं खा लेता हूँ ठीक है। ये भाई हाँ चलो चलो। मेरी मम्मा वीडियो देखी कैसी है, हाँ मेरी मम्मा वीडियो देखी कैसी बनी है, कैसी बनी है, बढ़िया बनी है भाई। अभी तो भाई अभी हमने कर दिया डिनर एंड अभी सो जाएंगे भाई, काफी ज्यादा रात हो चुकी है। कर दो खत्म कर दो। पकड़ो करता हूँ मैं, पैक करता हूँ खा लेते हैं। यार दिल्ली के बाद कहाँ जाएगी? ओ भैया गल नहीं कट रहा भी रे, मेरी गल सुन, दिल्ली से पठानकोट जाऊगी, मैं दिल्ली जाना, कितने बजे पहुंचूंगी? तू पठानकोट पहुंचा दिया, पहले पठानकोट जाना ना। पठानकोट ही जाएगी ये, पठानकोट ही जाएगी। डॉन मैंने बोला गाली नहीं निकालनी भाई साहब, मैं आपको गाली नहीं दी है,
भाई साहब मेरी मम्मी आपकी मम्मी, मेरी बहन आपकी बहन। ये बात गलत नहीं है, आपकी मम्मी मेरी मम्मी है ना। मैं गाली निकाल रहा हूँ, पहले पानी तो बेच गया, फिर हमारी उतारो गाड़ी पहले पानी बेच गया, फिर हमारी उतारो। अंकल जी अंकल यूपी 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 दफा हो दफा हो। ओ भाई चढ़ गया, बोलू चढ़ गया। चढ़ने की बात मत करना, मैं तो दुनिया से बर्बाद होते हुए बर्बाद कर। भाई ये ट्रेन दिल्ली तक जाएगी? नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, दिल्ली जाएगी। हाँ दिल्ली उतर जाऊंगा। अरे सोने क्या, रात में 12 बजे उतर जाएगी। अंकल जी नमस्ते। मजा आ रहा, मैं कार्टून हूँ क्या, मजा आ रहा तेरे को? देख ऐसा ऐसा नसीब आया मोदी सरकार के पीछे। हरियाणवी बंदा है यार, समझा यार। ओ भाई साहब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। चलो अंकल जी चलो चलो चलो, ये बंदे बोल रहा है। चलो अंकल जी चलो चलो, हाँ जाओ बंदा, छोड़ो मेरे अंकल जी को जगह दो। भैया फिर तो गाली कटे ना भाई साहब, मैं दारू पीला तो लोग बोलते हैं मेरा। पहले यार किधर था, कहाँ से आए, कहाँ से ऊपर से आए, कल कल यहाँ से निकल। अंकल जी अंकल जी जान से मारते, ठोकर क्यों मारता है? मैं तो यूं ही मरा बंदा हूँ, मेरे को मारने से क्या फायदा? एक नहीं दोने धोखा दिया, तीसरा तू है। हमें ये पूछला गाड़ी कहाँ तक जाएगी। ये भाई बंदा है ठीक है, इसने पी है शराब ठीक है, कब से ड्रामे करे जा रहा है, गालियां निकाल रहा है फालतू की। एंड ये ट्रेन अपनी सुपर फास्ट पूजा ट्रेन बंदे की ठीक है, अगर वो बंदा है शराब पी के हमें गालियां निकाल रहा है। वही गलत से बात कर, हाँ मैंने ऑनलाइन कंप्लेन कर दी है। उससे बात करें, मैं पकड़ रखा हूं किसको, वो सामने पकड़ रखा है, बोल दो। मैंने कंप्लेन कर दी है इसकी। आई कार्ड दिल्ली में है।
हम लखनऊ के रहने वाले यहाँ लुधियाना में पिज्जा बनाते हैं। पर्स नहीं है भाई, मेरे पास क्या अपना आई कार्ड दिखा कुछ भी प्रूफ किया हमारे पास कोई आई कार्ड नहीं, हमारे पास पैसा है। अभी तो बोला था मेरे को कुछ नहीं है भाव जी, मेरे पास नहीं भाव जो ऐसे बोल रही है जो है उसका नाम लिखो तो मैसेज करके दो प्लेस को मैंने कंप्लेन कर दी। नहीं भाव जी ऐसे प्लीज भाव जी ऐसा मत करो, हमको लखनऊ जाना है भाव जी। ना सर नहीं मैं यहीं बैठा रहूँगा, मैं कर नहीं दूंगा भाव जी। हाँ क्यों बैठा रहेगा तू, तुम लखनऊ अभी अगला स्टेशन पर उतार दो भाव जी, लखनऊ जाऊँगा। चलो ठीक भाव जी, भाव कुछ भी करे जा रहा था, गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था यार। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शराब पी है तो पी है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पे आप कोच में किसी से पूछ लो भाई, मेरे को उसने इतनी गंदी गालियां निकाली ना माँ बहन की। मैंने करी 139 पे कंप्लेन, अब पुलिस वाले आ रहे हैं, अब देखिए उस बंदे का क्या होता है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। मैं पुलिस वालों को बुलाने जा रहा हूँ, अभी बाहर नॉइज काफी ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए बाहर पुलिस वाले कहाँ आगे हैं? तुम्हारे जैसे तुम्हारा भी भाई कहीं होगा यार, छोटा भाई माफ कर दे यार भाई, आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ भाई, कंप्लेन वापस ले लो भाई। नहीं आपका कुछ नहीं होगा, बोल देना बंदा सही था, आराम से बैठ जा, आवाज मत कर भाई साहब। तब चोरी कर दिया भाई, माफ कर दो भाई, भाई छोड़ यार भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई। चल बैठ जा हम बोलते हैं पुलिस वाले, बोल दो भाई यार माफ कर दो यार, हम भी गाँव जा रहे हैं। इसने ना पी रखी थी, इसको पता नहीं चला क्या, पता नहीं चला क्या हुआ भाई साहब, माफ कर दो यार। तूने कैसे अब कैसे पता चल रहा है इसको, अब उतर गई ना, उतर गई, उतर गई भाई साहब, डिस्टर्ब मत कर इन लोगों को निकले दे बार बार भाई, तुम मार लो हमको, मार लो कितना मारना मार लो। बिल्कुल नहीं, मेरा बाप बुड्ढा है, मेरी माँ बुड्ढी है यार, बात सोचा नहीं, सोच पाया। शराब तू पी रहा है शरियाम, शराब पी लिया, थोड़ी गलती हो गई, माफ कर दे। शराब तू शरियाम पी रहा है, तेरे को फिक्र है करके, प्लीज भाई माफ कर दो। ऊपर से निकाल के हम माँ बहन की गालियाँ निकाल, नहीं नहीं भाई अब दोबारा नहीं निकालेंगे भाई, एक बार माफ कर दो बस, एक बार माफ कर दो भाई। मैं लखनऊ पहुँचने के बाद कुछ चीज से कुछ भी नहीं, सर माफ कर दो प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। कौन है बंदा? आसान जी बड़ी बैल कर ली, यहीं खड़े साहब। अरे तो दूर हो, दिक्कत क्या है मैडम? कुछ दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा गेम करके गाड़ी चल रही है, गलती से गाड़ी है, नहीं नहीं गलती से चढ़ गया मैडम। पर्ची बनवा, रिक्वेस्ट कर दो मैडम, पर्ची बनवा ले तू, पैसे पैसे टिकट की पर्ची बनवा भाई, पैसे नहीं है तो क्या करने आया इधर मैडम? गलती से चढ़ गया, गलती गलती कोई गलती नहीं होती, गलती की सजा जेल होती है, गलती की पैसे दे तू फटाफट। पैसे है नहीं मैडम, जो सजा देनी दे दो, गलती से चढ़ ही गए, चल तो जेल में, चलो चलो। ये क्या बात है, ये कोच यात्री में था, दारू पी के पैसेंजरों को गालियां दे रहा था, उसने रेल मंडल में कंप्लेंट करी है, सारी गालियां वीडियो बनाकर ये लेकर आया मैडम। थोड़ी गलती हो गई, तो भागते हुए S6 में पकड़ा इसको, थोड़ी गलती हो गई उनसे, थोड़ी ही गलती हुई है, थोड़ी नहीं तो पूरी इससे फल तो क्या करेगा, प्लेटफॉर्म वाले टीटी को बुला के मुंह नहीं खोलता। तुम्हें गाड़ी मिल जाती है, ये भी नहीं मिलेगी, डाउन हो गया इसका, ये भी छूटेगी तेरी हमको। लुधियाना भेज दो, जीजा के पास चला जाऊंगा, लुधियाना इधर है, उधर है लुधियाना, मैं जीजा के पास चला जाऊंगा, पैसे हो जाएंगे मेरे पास से। सुबह टाइम देख सकते हो 1:10 हो रहे हैं, एंड उस बंदे ने यार पूरी की पूरी जो जर्नी थी ना वो खराब कर दी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ।
सारे भाई उसको देख रहे हैं क्या। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है 5:08 और हमारी ट्रेन ने हमें गुड़गांव पहुंचा दिया, जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट था। आज की यात्रा हमारी यहीं तक थी, बहुत ही ख़राब यात्रा रही आज की। एंड उस बंदे के साथ क्या हुआ था, जैसे उसको RPF वालों ने उतारा था अंबाला स्टेशन पे, क्योंकि मैंने कंप्लेन करी थी ऑनलाइन 139 पे कंप्लेन करी थी। आप भी कर सकते हो ऐसे, अगर साथ कोई मिसबिहेव करता है या आपको कोई मतलब गंदी गंदी गालियाँ देता है, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। बाकी जब उसको उतारा था तो पुलिस वालों ने पूछा था कि इसने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया, तो मैंने बोला सर ज़्यादा नहीं ऐसा कुछ किया, एंड ये बंदा मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था। तो उन्होंने बोला कोई चक्कर नहीं, बाकी मैंने क्लोज़ कर दी थी अपनी कंप्लेन। ये मैसेज देख सकते हो, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, ये देखो मैसेज कर देख सकते हो आप। मैंने कंप्लेन कर दी थी एंड छोड़ दिया था बंदे को। बट जो उसके साथ हुआ था वो ये हुआ था कि जो उसका मतलब फेयर था ना, मतलब टिकट फेयर था, वो विदाउट टिकट चढ़ा हुआ था। मतलब जो TT होते हैं ना, उन्होंने बस उसका चलान काटा था फेयर का, बस बाकी बंदा चला गया था जहाँ पर उसको चलाना था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।